हेलो, वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमने नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर करने के लिए आपको बहुत सारे वंश के बारे में जानकारी पहले प्राप्त होगी, उसके बाद में आप स्टडी कर पाएंगे। तो हमारे भारत देश में राज करने वाले जो अशोक वंश के राजा हुए हैं, सातवाहन वंश के राजा हुए हैं, चौहान वंश के राजा हुए हैं, गुप्त वंश के राजा हुए हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करने के बाद उस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसको हम बाद में करेंगे, जब हम स्कूल में स्टडी करेंगे उस टाइम पर वो चैप्टर होगा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं बेटा, यानी कि थर्ड चैप्टर आपकी हिस्ट्री की बुक से है। चैप्टर का नाम है बेटा प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति एवं वर्ग, यानी कि अर्ली सोसाइटी। जो शुरुआत की जो सोसाइटी है, प्रारंभिक जो समाज है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्ली सोसाइटी में तो हमारे पास आदि मानव भी आते हैं, बट यहां हम धार्मिक क्रियाकलाप से जो हमारे समाज की पुष्टि हुई है वहां से स्टडी करेंगे। तो हमारे समाज की जो शुरुआत हुई है वो धार्मिक ग्रंथों से पढ़ करके जानकारी मिलने के बाद हम हमारे समाज के बारे में वर्णन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा धार्मिक ग्रंथ में महाभारत। महाभारत, रामायण, वेद, पुराण। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। इसको लिखने वाला वेदव्यास हुआ है, बट इसमें कुछ सस्पेंस भी रहता है कि वेदव्यास ने इस ग्रंथ को कैसे लिखा, क्योंकि इस ग्रंथ को तैयार करने के लिए अनुमानतः 1000 साल का समय लगा था। और 1000 साल तक कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, तो वेदव्यास ने इसको कैसे लिखा होगा। इसलिए इसको बाद में पूरा करने वाले दूसरे दूसरे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन मेन हम इसमें वेदव्यास को पढ़ते हैं कि महाभारत की रचना किसने की, वेदव्यास ने की। महाभारत का जो नाम है वो भारत के नाम से ही है, और इसके अंदर 1,00,000 श्लोकों का विवरण मिलता है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। इस महाभारत में कौरवों और पांडवों का सामाजिक अनुबंध के बारे में पता चलता है कि समाज में उनका आपस में कैसे तालमेल बैठता था। इस महाभारत के अंदर इनका युद्ध का वर्णन दिया गया है। इन दोनों के युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में हुआ है, जो हमारे भारत की धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। कौन सी है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़े गए थे। इसमें कौरवों और पांडवों के आपसी संबंधों के बारे में ये पता चलता है कि वो दोनों ही चाचा ताऊ के बच्चे होने के बाद भी उनकी केवल और केवल जो टारगेट होता था वो गद्दी होता, राजा का राजतंत्र होता। तो राजा का जो राजतंत्र था, राजा की जो गद्दी थी, उसके लिए वो अपनों को भी नहीं बख्शते थे। ये उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। जब कौरव और पांडव शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं प्राचीन काल की कहानी में आपको बता रहा हूं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। द्रोणाचार्य इनके गुरु होते थे। हम यहाँ पे सामाजिक अनुबंध की या प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका बंधुत्व कैसा था, उनका भाईचारा कैसा था, वो एक दूसरे के साथ कैसे सामाजिक तालमेल बैठा करके रहते थे। उसके बाद में द्रोणाचार्य से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो पांडवों के अंदर एक अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था।
द्रोणाचार्य ने उसको अवार्ड दे दिया था कि तेरे से बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में नहीं है। बट एक बार जब ये जंगल में घूम रहे होते हैं तो वह कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनती है। उसकी आवाज से एक दूसरा जो धनुर्धर था एकलव्य ने उसकी आवाज के ऊपर बाण चलाया और उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। उस कुत्ते का आवाज के ऊपर मुंह बंद करने से मुंह बंद देने के बाद में द्रोणाचार्य को आवाज हुआ कि ये रियल में ही अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है। कौन? एकलव्य। और एकलव्य से जब वो मिला तो वो शब्द वेदी बाण चलाया करता था, शब्द के ऊपर आवाज के ऊपर बाण चलाने से, और उसका निशाना अचूक होता था, कभी नहीं चूकता था। जब उससे बात हुई द्रोणाचार्य की तो उसने बताया कि मैं एक शूद्र जाति का बच्चा हूं। शूद्र क्या होता है वो अब हम आगे स्टडी करेंगे। और मुझे राजाओं के राजकुमारों की तरह शिक्षा ग्रहण नहीं हुई। मैं अपना गुरु द्रोणाचार्य को ही मानता हूं। मैंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसकी पूजा की है, उसको एक गुरु के रूप में पूजा है और वह अपने आप ही मैंने प्रैक्टिस किया। तो सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य जब दिखाई दिया तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया और गुरु दक्षिणा में उसका दायां हाथ का अंगूठा उसने ले लिया। अंगूठा काटने के बाद जब धनुष चलाते हैं तो उससे वो प्रेसर नहीं बन पाता है, धनुष है वो चल नहीं पाता है। इसलिए अंगूठा काटने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ यही सिद्ध करना था कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। इसलिए बाद में अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर रहा क्योंकि इसने अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था। ये एकलव्य की कहानी है। इसमें हमारे समाज में जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसके बारे में बात पुष्टि होती है कि हमारे प्राचीन काल में या आरंभिक समाज में गुरु की पूजा की जाती थी, उनसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। इसके बाद में आगे हमारे पास आता है बेटा रामायण और उसी महाभारत का थोड़ा जिक्र और करूं मैं। महाभारत के अंदर भागवत गीता का वर्णन सुनने के लिए मिलता है। तो भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण है वो अर्जुन को संदेश देते हैं और क्या संदेश देता है, कर्म करे छु फल की इच्छा ना करो, कि कर्म करते जाइए फल की इच्छा मत कीजिए, फल अपने आप मिल जाएगा। आप लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आपने ये समझ में आ गया कि ये तो फल बाद में मिलेगा, यानी कि इसका फल अभी नहीं मिलने वाला, बहुत लंबे टाइम के बाद में आप इस पढ़ाई करने से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आप बाद में देख पाएंगे या अच्छी सर्विस ले पाएंगे, तो आप कंटिन्यू काम करते जाइए, फल आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। इसलिए जब श्री अर्जुन युद्ध के मैदान में हथियार छोड़ करके अपने सगे संबंधियों के सामने हथियार डाल के खड़ा हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया था। वो भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये गीता का उपदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि आप काम करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो जैसा जो कर्म करेगा वैसे अपने आप ही मिल जाएगा। तो भगवत गीता किसका पार्ट है, ये महाभारत का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर इसका वर्णन है। दूसरा हमारे पास रामायण आती है बेटा, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है जो सीता माता और भगवान राम की कहानी इसमें प्रदर्शित होती है। वेद हमारे पास चार हैं, ऋग्वेद फर्स्ट, चार वेद है हमारे पास, फर्स्ट ऋग्वेद, ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है हमारे पास अथर्ववेद। ये चार वेद है। ऋग्वेद हमारे पास सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली, ऋग्वेद की स्टडी ही हम करते हैं, दूसरे वेदों की जानकारी नहीं होती है या दूसरे वेदों के बारे में हम कम ही पढ़ने को मिलता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें 18 पुराण मिले हुए हैं।
पुराणों की संख्या कितनी है 18। अब हम यहां से धार्मिक ग्रंथों से पढ़ करके आगे सामाजिक अनुबंधों के बारे में और दूसरी दूसरी चीजों से भी हम अध्ययन करते हैं। यहां हम अध्ययन कर रहे हैं बेटा बौद्ध ग्रंथों से, जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अंदर भी सामाजिक अनुबंध के बारे में पता चला है। बौद्ध ग्रंथों में ये बात बताई गई है कि जो राजा होते थे उनका पद पैतृक नहीं होता है। शुरू स्टार्टिंग की बात है, बाद में तो जो राजा हुए हैं उन्होंने अपने पुत्र को ही राजगद्दी दी है, क्योंकि वो उस राजगद्दी के मोह में फंसे हुए थे, पुत्र मोह में फंसे हुए थे। तो जो सामाजिक अनुबंध थे उसके अंदर बौद्ध ग्रंथों में जिक्र किया गया है कि राजा का जो पद था वो पैतृक नहीं होता था। जो आदमी समझदार होता था राजा के मृत्यु के बाद उस समझदार और न्यायप्रिय आदमी को ही राजा बना दिया जाता था। हमारे यहाँ दूसरे देशों के लोग भी घूमने के लिए आया करते थे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास मिलेगा फायान का। ये लोग हमारे देश में आते थे। फायान कौन था? ये चीनी यात्री था। कुछ लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते थे, कुछ लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी लेने के लिए आते थे, कुछ हमारे सामाजिक अनुबंधों को देखने के लिए आते थे, और कुछ लोग यहाँ पे अध्ययन स्टडी करने के लिए पढ़ने के लिए आते थे। तो ऐसे फायान भी हमारे भारत देश में आया था, जो चीन का रहने वाला था और जो भारत में घूमने के लिए आया था। घूमने का सीधा सा संबंध तालमेल इसका उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है अभी हम दूसरी कंट्री के बारे में, अगर सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लें तो हमें बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। उन सभी की जानकारी हमें कौन देता है? उन सभी की जानकारी हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं, वहां कुछ दिन बिताते हैं, उन लोगों की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में इंटरेक्ट होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका एटमोसफेयर देखते हैं, और फिर वहां से जो जानकारी जुटाते हैं वो किताबों में लिख करके हमारे पास पेश करते हैं, जिससे हमारे दूसरे देशों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ठीक वैसे ही जो फायान था वो चीनी यात्री था, हमारे भारत देश में घूमने के लिए आया, तो उसने हमारी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। उसने बताया कि हमारे देश के अंदर जो शूद्रक है, जो चंडाल कह सकते हैं, क्योंकि ये चंडाल क्या होते थे उसके बारे में भी अभी बताएंगे। तो जो चंडाल होते थे वो गांव से बाहर रहते थे, जब उसमें गांव में एंट्री करनी होती थी तो ढोल नगाड़े बजाते हुए वो आते थे, सभी लोग उनके रास्ते से हट जाते थे, क्योंकि जो चंडाल थे ये लोगों का गर्दन काटने का काम करते थे, लोगों को मारने का काम करते थे। राजा जब होता था तो किसी भी आदमी को फांसी की सजा सुना देता था, वो फांसी चंडाल ही लगाते थे। ऐसे करके जो चंडाल थे ये कि उस समय के समाज में सबसे हीन माने जाते थे, उनकी जो समाज में अछूतों सा जो व्यवहार उनके साथ होता था, उन सभी की जानकारी फायान ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो ऋग्वेद के जो पुरुषोत्त है, ऋग्वेद में जो सामाजिक व्यवस्था है ऋग्वेद जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ऋग्वेद का एक पार्ट है पुरुष सूक्त। उसके अंदर बताया कि हमारे समाज चार वर्गों में बटा हुआ है। फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, और फोर्थ होता था वो शूद्र होता था। जो हमें चंडाल की बात की वो शूद्रक में आता है बेटा, शूद्र होता। ब्राह्मण बताते हैं कि भगवान के कंधों से इसका जन्म हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से हुआ है, वैश्य भगवान के जांघों से इसका जन्म हुआ है, और शूद्र पांवों से हुआ है। एक मीन्स हमारे समाज में सबसे निम्न जो वर्ग था वो शूद्रक था। ब्राह्मण पूजा पाठ करने का काम क्या करते थे, समाज में सम्मानित उनका पद होता था, और क्षत्रिय होते थे वो योद्धा होते थे, यानी कि राजा जैसे जो लोग थे वो क्षत्रिय में आते थे, केवल क्षत्रियों को ही राजकाज चलाने का अधिकार होता था। और वैसे जो कृषि कार्य करते, व्यापार करते थे, लोगों को सुविधा मुहैया करवाते थे वो वैसे में आते थे, और शूद्रक में वो लोग थे जो हीन माने जाते थे। इन तीनों
वर्गों की जो देखभाल की सेवा करने का काम करते थे वो शूद्र करते थे, यानी शूद्र वर्ग के लोग हमारे समाज में इन सभी की सेवा करने का काम करते थे। ये हमारे समाज के वर्गीकरण था, अलग अलग वर्गों में हमारा समाज बटा हुआ था। इसके अंदर हमारे समाज के अनुबंध के बारे में, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में दूसरे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भी इसका वर्णन है। जैसे मच कटिका है वो शूद्रक के द्वारा, शूद्रक नाम है बेटा ये मच कटिका, मच कटिका जो लेख किताब लिखी है वो शूद्रक ने लिखी है। उसके बाद में कुंती और निषादी, ये बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी इसकी लेखिका हुई है, जो बंगाली लेखिका थी। अष्टाध्याय जो लिखा था वो पाणिनि ने लिखा था, अष्टाध्याय पाणिनि, पाणिनि आदमी का नाम है बेटा। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्याय ग्रंथ लिखा था जो काफी फेमस है। आगे कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि कौन से आदमी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो हम बताएंगे मृच्छकटिकम जो लेख था वो किसने लिखा था? शूद्रक ने। और अष्टाध्याय था वो किसने लिखा था? पाणिनि ने। कुंती और निषादी महाश्वेता देवी ने, जो एक बंगाली लेखिका हुई है, इसने भी हमारे समाज के सामाजिक अनुबंध के बारे में वर्णन किया है। उससे आगे हमारे पास कुछ हवेलेख हुए हैं जिससे हमारे समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हवेलेख क्या थे? हवेलेख राजाओं के द्वारा खुदवाए हुए लेख थे जो पत्थर के पिलरों पर लिखे जाते थे, या सीमेंट या जैसे हम मकान बनाते हैं उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक वैसे ही प्राचीन काल में ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम होता था। जो राजा अपने क्षेत्र में जैसे अच्छे काम करवाते थे उन सभी का वर्णन वो उन्हें अभिलेखों को उन दीवारों पर, उन पत्थरों पर वो खुदवा दिया करते थे कि राजा ने ये कार्य किए हैं, जैसे आजकल हमारे जो गवर्नमेंट है वो प्रदर्शित करते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही राजाओं के द्वारा लिखे हुए अभिलेख होते थे। ये जो शुरुआत के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। प्राकृत भाषा वो होती है जो जिस क्षेत्र की जो भाषा होती है वो प्राकृत भाषा होती है। ओके, उससे आगे हमारे पास आता है बेटा मंदसौर अभिलेख के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। ये मंदसौर अभिलेख हमें बताता है कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे रेशम के जो बुनकर थे, रेशम के बुनकर जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से निकल करके महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी उनका वहां आना जाना लगा रहता था, ये सारी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अभिलेख, ओके, उससे आगे हमारे पास हमें समझ में आएगा कि हमारा जो समाज था उसके अंदर लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। लिंग में भेद होता है, जैसे आज भी आमतौर पर आप देखते हैं, यानी कि राजा होते थे वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, लड़कियों को जन्म लेना हीन माना जाता था। यहां तक कि राजाओं के समय में वहां बालिका वध भी कर दिया जाता था, बालिका को भेंट चढ़ा दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। जब लड़की का जन्म होता था तो घोर पाप माना जाता था। ऐसे हमारे समाज में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता था। हमारे समाज में विवाह के लिए जो विवाह होता है, विवाह संस्कार जिसको आप पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, ये पाणी ग्रहण, पाणी, पाणी जो होता है वो हाथ को बोला जाता है, तो हाथ ग्रहण यानी कि आप अपनी लड़की का हाथ दूसरे के हाथ में सौंप देना ही पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह संस्कार बोला जाता है। हाँ, उस समय हमारे समाज में आठ प्रकार के विवाह प्रचलित थे, आठ प्रकार से विवाह किए जाते थे। धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन आते चले गए। जो शुरुआती जो समय था उस समय हमारे पास ब्रह्म विवाह होता था, ब्रह्म विवाह यानी कि ब्राह्मण किसी भी लड़की के लिए जैसा वर ढूंढ देते थे उसी से वो शादी कर देते थे, तो वो ब्रह्म विवाह होगा। दूसरे टाइप का विवाह होता था वो प्रजापत्य विवाह होता था,
तीसरी टाइप का विवाह होता था वो आर्ष विवाह होता था। उससे आगे जो होता था वो देव विवाह होता था। उससे आगे ये सारे, इससे आगे असुर है, असुर विवाह। और उससे आगे गांधर्व राक्षस और पैसाद जो विवाह थे, ये सारे इससे नीचे के जितने भी विवाह हैं वो सबसे घटिया किस्म के रहे हैं। क्योंकि उसमें किसी भी लड़के के साथ जबरदस्ती उसकी शादी करना होता था, उसको आसुर विवाह, पैसाद विवाह या फिर राक्षस शादी आदि वो बोले जाते हैं। जो सबसे अच्छी के थे वो ये थे, या फिर यहाँ तक भी सही श्रेणी में लोगों का विवाह, लड़कियों का विवाह अच्छे से निपटा दिया जाता था, इन्हीं को सबसे अच्छा माना जाता है। उससे आगे हमारे पास है बेटा ये विवाह होते थे, ये गोत्र में अपनी जाति में होते थे लेकिन गोत्र से बाहर होते थे। गोत्र विवाह क्या होता था देखिए, गोत्र विवाह कई तरह से होते थे। फर्स्ट आता है बेटा बाहिर विवाह, ये बहिर्विवाह अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। उसके बाद में आता है बेटा अंतर्विवाह, अंतर्विवाह जो अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं वो अंतर्विवाह होता है। उसके बाद में हमारे समाज में बहुपत्नी और बहुपति विवाह भी प्रचलित था, बहुपत्नी और बहुपति, बहुपति विवाह भी प्रचलित था। अब बहुपत्नी विवाह आज भी हम मुसलमानों की जो समाज है उसके अंदर देख सकते हैं, एक आदमी की कई पत्नियां होती थी जिसको बहुपत्नी विवाह बोलते हैं। इससे हमारे समाज के अंदर जब स्त्री पुरुष लिंग अनुपात में ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है तब बहुपत्नी विवाह प्रचलित हो जाता है। यानी कि मुसलमानों के यहाँ कई कई बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, लड़कों की संख्या कम हो जाती है, तो एक आदमी कई कई शादी कर लेता है, उसको बहुपत्नी विवाह बोला जाता है। बहुपति विवाह वो होता है जिसके अंदर लड़कियों की संख्या कम, अर्थात हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे, बट हमारे पास जो महाभारत का जो समय था, महाभारत का जो काल था, उस समय महाभारत के अंदर द्रौपदी के कई पति थे, पांच पतियों की एक पत्नी थी, इसलिए उस समय बहुपति विवाह भी प्रचलित था। वैसे तो आज हमारे पास ये क्या था, जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो कम है, एक हजार पुरुषों के पीछे बहुत कम महिलाएं, 928 या अभी अगर कुछ सुधार भी हुआ है तो 931 महिलाएं हैं। फिर भी हमारे पास, हमारे समाज में आज बहुपति विवाह तो प्रचलित नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में बहुपति विवाह प्रचलित था। वंश के आधार पर हमारा समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था, सामाजिक वर्गीकरण इस आधार पर, वंश के आधार पर। फर्स्ट आता है बेटा पितृवंशिकता, और दूसरा आता है मातृवंशिकता। पितृवंशिकता जहां पिता की चलती हो, पिता के नाम से जो वंश चलता है, पिता के नाम से जो वंश चलता है, जैसे आमतौर पर हमारे समाज में जब भी किसी बच्चे से नाम पूछा जाता है तो अपने पिता का नाम ही उसके साथ जोड़ता है कि मैं फला आदमी का बच्चा हूं। इट मीन्स वहां पे हमारे समाज की जो आज प्रचलित जो परंपरा है वो पितृवंशिकता होती है। मातृवंशिकता वो होती है जो माता के नाम से वंश चलता है। हमारे समाज में मातृवंशिकता नहीं मिलती है क्योंकि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मातृवंशिकता वहां मिल सकती है जब हम अपने मामा के यहाँ जाकर के रहने लग जाएं, यानी कि वहां पर माँ अपने मायके रहती हो तो वहां माँ का नाम चल सकता है। इसलिए वहां, क्योंकि पिता को वहां लोग कम जानते हैं, वह इसलिए हमारे समाज में वो मातृवंशिकता भी चल सकती है, लेकिन हमारा समाज पितृवंशिकता को बढ़ावा देता है। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा जाति। हमारी जाति आज भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ हमारा समाज है जिनमें हम गिनती कर ही नहीं सकते हैं, तो जाति की अपनी विशेषता होती है। और उसके बाद में जाति के बंधन है वो कठोर होते हैं। ये जाति है ये जन्म पर आधारित होती है, जाति की विशेषता जन्म पर आधारित होती है। जो आदमी जिस जाति के यहाँ जन्म ले लिया वो उसी जाति का बनकर रह जाता है। नंबर एक, जाति जन्म पर आधारित होती है। नंबर दो, ये बदलने योग्य नहीं होती है, जाति है वो बदली नहीं जा सकती है।
क्योंकि हम अपना वर्ग बदल सकते हैं। वर्ग यानी कि हम शिक्षक वर्ग से हम डॉक्टर वर्ग में जा सकते हैं, व्यवसायी वर्ग से हमें इंजीनियरिंग वर्ग में जा सकते हैं, या विद्यार्थी वर्ग से हमें दूसरे दूसरे काम में अगर लग जाते हैं तो हमारा वर्ग चेंज हो जाता है। हमारा धर्म चेंज करने के लिए अभी हमें छूट दी जाती है। आज हम हिंदू समाज के हैं, कल दूसरा धर्म भी अपना सकते हैं, लेकिन जाति हमारी बदली नहीं जाती है, इसकी विशेषता है। नंबर 3, हमारा समाज जाति के अंदर ही वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। विवाह संबंध होते हैं वो अपनी ही जाति में होता है, जाति से बाहर उसको स्वीकार्य नहीं होता है। तो इस जाति से हमारे पास कुछ अच्छी भी बातें हैं और कुछ बुरी भी बातें इसमें जुड़ी हुई है। इस जाति की अच्छी बातें ये हैं कि हम विवाह संबंध अपनी जाति में ही बनाने के बाद हमारे जो रक्त संबंधित अशुद्धियां हैं वो इस जाति में नहीं मिल पाती, यानी कि हमारी जाति के लोगों के साथ ही विवाह संबंध बनते हैं तो हमारी जाति का जो रक्त है वो शुद्ध होता है। दूसरा, इसमें जाति प्रथा के कुछ अवगुण हैं। अवगुण है ऐसे हैं क्योंकि जो निम्न जाति का बच्चा है, जिसने निम्न जाति के घर या जन्म ले लिया, उसने भगवान ने ही उसको पैदा किया है, ना कि किसी उसकी मर्जी से, इसलिए उसका अपना कोई दोष नहीं होता। निम्न जाति के घर जन्म लेने से वो हमेशा अछूत बना रह जाता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। इन्हीं सब प्रक्रियाओं के आधार पर जाति के कुछ अवगुण हम इसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास परिवार की विशेषता, हमारे समाज की जो परिवार की जो विशेषता है परिवार की जो व्यवस्था है, परिवार की जो विशेषता है वो विवाह के आधार पर होती है या फिर रक्त के आधार पर होती है। विवाह के आधार पर हमारा परिवार बना हुआ है, विवाह के आधार पर यानी कि हमारे माता पिता है वो विवाह से ही उनका संबंध एक दूसरे से बना हुआ है, इसलिए उनका जो परिवार है वो विवाह के आधार पर ही पारिवारिक संबंध मानते हैं। एक रक्त के आधार पर यानी कि आपके गार्जियन से जो संबंध है, जो परिवार आपका बन रहा है वो रक्त के आधार पर है। आपका अपनी बुआ से, आपका अपने मामा से जो संबंध है वो रक्त के आधार पर है, ना कि वैवाहिक आधार पर। इसलिए हमारे समाज में जो परिवार की व्यवस्था है वो दो आधार पर होती है, विवाह के आधार पर और एक रक्त के आधार पर। इट्स ओके।